Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the second chapter of the Accounting Information System. Our topic today is Transaction Processing. Before I move on to the Transaction Processing, let's remind you the previous lecture, and this is a bigger picture, mind map of the Accounting Information System. Accounting Information System ki ye humne earlier chapter mein ye padha tha. के इसमें कैसे चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं. दिस इज़ अ मैप, बिगर मैप. एंड इसमें यह कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम आप देख रहे हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, दूसरा पार्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है. हमें फिलहाल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो है इस कोर्स में जो इसमें वास्ता नहीं है. वी विल ओनली बी डिस्कसिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसके तीन पार्ट्स जो है वो आपके साथ आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है. तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है उसकी आगे फर्दर थ्री कैटेगरीज है. हम इसी जो है माइंड मैप को लेके हम जो है वो पूरे कोर्स को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग. तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में हम आगे प्रोसीड करते हैं इंशाल्लाह. तो इसको ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग को जो है डिस्कस करने के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, बल्कि आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपको अच्छी तरह याद है, डिफाइन हम कर चुके हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अफेक्ट्स द एसेट्स एंड इक्विटीज ऑफ द firm and is reflected in its accounts and is measured in monetary terms. तो बहुत सिंपल सी जो है डेफिनेशन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें कोई इकोनॉमिक इवेंट जो है वो कोपजीर होता है, पहली कंडीशन. दूसरी के इसका ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के जो है एसेट्स एंड एक्विटीज पे असरअंदाज होना जरूरी है. कोई ऐसा इकोनॉमिक इवेंट जो कि उस पर असरअंदाज ना हो and that can be measured in monetary terms. तो अब हम आते हैं डेफिनेशन से फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ. इसके जरिए आपको ज़्यादा आसानी से समझने में जो है वो हेल्प मिलेगी. सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर ग्रुप टुगेदर इन टू थ्री ट्रांजेक्शन साइकिल्स. नंबर वन इज एक्सपेंडिचर साइकिल, नंबर टू इज द कन्वर्जन साइकिल एंड द थर्ड वन इज रेवेन्यू साइकिल. वेन एवर यू आर इन टू अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, यू आर डूइंग अ जॉब, you have to set up an accounting system, you have to set up an accounting information system. So remember, you may set up your system into these three types, three categories of the transaction, that is expenditure cycle, revenue cycle and conversion cycle. Is bare mein hum jo hai detail ke sath pehle pad chuke hain. Again, there is a very nice diagram which shows you relationship between transaction cycles. वो तीन cycles आपस में किस तरह से interconnected हैं, बहुत interesting जो है वो story है. Let's see. सबसे पहले आप left hand side से हम इसको शुरू करते हैं. Expenditure cycle है. Expenditure के लफ्ज़ में आप accounting students हैं, इसमें capital expenditure भी आता है और जो है वो other expenses भी शामिल हैं. Current एसेट्स को परचेज करने पे भी जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और नॉन करंट लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करने पे भी जो एक्सपेंसेस आते हैं वो भी इसमें शामिल हैं. तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर भी शामिल हैं और रेवेन्यू नेचर के भी शामिल हैं. ये मैंने एक जो है टर्मिनोलॉजी जिससे आप वाकिफ हैं उसको यूज़ कर लिया. अदरवाइज बेटर टर्मिनोलॉजी इज़ दैट इसके अंदर जो है नॉन करंट एसेट्स को परचेज करने के भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी शामिल है, करंट एसेट्स को परचेज करने के एक्सपेंडिचर भी शामिल है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो एक्सपेंसेस भी शामिल है. तो एक्सपेंडिचर का यहाँ लफ्ज जो है बहुत ही जनरल टर्म में जनरली इस्तेमाल हुआ है. ये कोई बहुत नैरो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसको उसी तरीके से लें. तो एक्सपेंडिचर जो है खर्चा जो है वो कैश के जरिए ही होता है. So you spent your cash on raw materials, direct labor, indirect labor, direct materials, indirect materials and physical plant. Physical plant में वो सब चीज़ें आ गई, ठीक है,
क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में शामिल होती हैं, उस पर कैश खर्च हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, तो वो उस सब ने उसे मिल के कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में। तो अब जो है कन्वर्ट करने में कन्वर्जन साइकिल आ गया, उसमें प्रोडक्शन आ गई, प्रोडक्शन में जो सारे मामला कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं वो आप जानते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आप जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्सेज आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से एरो जो है वो निकला और चीज़ों को वर्क इन प्रोसेस से कन्वर्जन से होता हुआ ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। जब चीज़ें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई तो फिर ये एरो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें सेल के लिए तैयार हो गई और चीज़ें फिनिश गुड्स जो हैं वो रेवेन्यू साइकिल की तरफ चली गई। रेवेन्यू साइकिल में चीज़ें फरोख्त हुई, फरोख्त होने के बाद कस्टमर्स के हाथ में पहुंची, कस्टमर से कैश वापस आया तो रेवेन्यू साइकिल ने कैश दिया। रेवेन्यू साइकिल से मिलने वाला कैश ये आप देख रहे हैं, जो मैं एरो साइन है ये मूव कर रहा है स्लोली, और ये कैश मूव होता हुआ दोबारा से अगले एक्सपेंडिचर को जो है वो इस्तेमाल में लाने के लिए दोबारा से आपको मिल गया। एक्सपेंडिचर के लिए भी कैश मिल गया और रिटर्न टू जो है वो इन्वेस्टर्स या ओनर्स के लिए भी कैश मिल गया। तो इस वक्त फिलहाल हम चूँकि ट्रांजेक्शन्स के दरमियान साइकिल को देख रहे हैं तो हमने इन्वेस्टर्स का यहाँ पे जिक्र नहीं किया और दोबारा से एक्सपेंडिचर साइकिल को इस तरह से, और साइकिल का मतलब आपको पता ही है कि एक चीज़ बार बार अपने आप को रिपीट करती है, तो इस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजेक्शन साइकिल्स जो है वो आपने देखा। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि एवरी सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हैज़ टू सब सिस्टम्स, टू प्राइमरी सब सिस्टम्स होते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर साइकिल है तो उसमें जो है वो बिटवीन एक फिजिकल कंपोनेंट है और एक फाइनेंशियल कंपोनेंट है, जिसमें से हमने ट्रांजेक्शन्स की एग्जाम बनाई थी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो उसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर के हवाले से, एक्सपेंडिचर साइकिल में कैश डिसबर्समेंट टू द सप्लायर, ये एक फाइनेंशियल कंपोनेंट है कि हमने अपने सप्लायर से चीज़ें परचेज़ की तो जारी बात है कि उनको पैसे हम देंगे तो वो परचेज़ कम्प्लीट होगी, तो उसको जो कैश डिसबर्समेंट है दैट इज़ फाइनेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर साइकिल। तो उसका फिजिकल कंपोनेंट क्या है कि वो अशिया जो हैं उनको फिजिकली हासिल करने के बाद उनको चेक करना कि जैसे ऑर्डर दिया गया था क्या वो चीज़ें जो हमने रिसीव की हैं, रिसीविंग रिपोर्ट जो है उसमें ये लिखा जाएगा कि क्या ये चीज़ें फिजिकली उसी तरह हैं जैसे कि हमने रिक्वायर किया था, हमारा ऑर्डर जो है ऑर्डर में मौजूद स्पेसिफिकेशन और फिजिकली रिसीव गुड्स की स्पेसिफिकेशन आर शुड बी वन एंड द सेम। सो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसको जो है वो चेंज करवाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कन्वर्जन साइकिल, जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें भी दो इसके पार्ट हो गए, फिजिकल कंपोनेंट उसमें ये है कि प्रोडक्शन सिस्टम है, इसमें एक्चुअली रॉ मटेरियल्स को रिसीव किया और उसको फिनिश गुड्स तक उसको पहुंचाया, प्लानिंग शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फिजिकल प्रोडक्ट थ्रू द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस। मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर होने वाले तमाम मामला ऑब्वियसली फिजिकल नेचर के होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होता है वो, तो उसके अंदर जो है वो चीज़ों को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना ये कन्वर्जन साइकिल। और इसमें जो इसका दूसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है कि उसमें इट मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसमें जो है उसकी मॉनिटरी टर्म्स में देखा जाता है कि कितने का मटीरियल्स परचेज हुआ और वो मटीरियल जो है प्रोडक्शन में चला गया, वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से फिर वो जो है उसकी फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो आ जाती है। इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट जो है वो उसमें देखते हैं दैट इज़ रेवेन्यू साइकिल। फिजिकल कंपोनेंट ये है कि सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक ऑर्डर जो आता है जो है ऑर्डर रिसीव होता है, हम जिन गुड्स को उसको सेल आउट करते हैं तो उसका ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, चीज़ें जो है अपने बायर को पहुँचाते हैं। और फाइनेंशियल कंपोनेंट इसका ये है कि हमें कैश रिसीव होता है और कैश को रिसीव करके ये उसकी रिकॉर्डिंग करनी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन टू आवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड बिफोर वी मूव ऑन टू सी हाउ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, लेट्स सी हाउ द मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वर्क्स।
वी विल बी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल सिस्टम। जैसे आप जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग कोर्स पढ़ते हैं पहला अपने बीएस कोर्स में, तो आप पहले मैनुअल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते हैं, उसके बाद फिर आप सॉफ्टवेयर्स की तरफ आते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो हम इधर सबसे पहले जो है अकाउंटिंग सिस्टम का मैनुअल वर्जन देखेंगे, तो जो भी कोई है फिर इसको हम फर्दर डिटेल में लेके जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में भी होती है और कंप्यूटराइज सिस्टम में भी होती है, बहुत अहम है, वो है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स यूज टू कैप्चर एंड फॉर्मलाइज ट्रांजेक्शन डेटा नीडेड फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो ये सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ यही सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है।